हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात करेंगे लियो राशि वालों के लिए ये भी कैसे जाने वाला है, यानी कि 10th जनवरी से लेकर 16th जनवरी आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है, साथ में मेरे वीडियो के एंड में मेरी एक फोटोग्राफ आती है, आप उस पर भी क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीक के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपकी सबकी कोई भी एक क्वेरी लेकर उसका आंसर यूट्यूब वीडियो के थ्रू दूंगी, साथ के साथ अगर कोई रेमेडी होगी तो वो भी आपको बताऊंगी, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से छूबंतर कर दीजिए, मुझसे शेयर कीजिए और जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा जो नंबर है, पर्सनल नंबर, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, साथ ही मेरे फेसबुक पेज पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं आपसे बहुत दूर नहीं हूं, आप जल्दी से फोन कर सकते हैं, मुझे टाइम ले सकते हैं, और साथ ही अगर आप अपनी क्वेरी का आंसर चाहते हैं तो फटाफट से आप इसमें लिख सकते हैं और मुझे उसमें से एक कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं पिक करके आपको उसका आंसर सभी को बताऊंगी यूट्यूब पे। पर वीक में एक आंसर आपको जरूर दूंगी फ्रेंड्स। बात करते हैं लियो के बारे में। लियो का 10th जनवरी कैसे रहने वाला है? मन में डिसकंटेंटमेंट और हो सकता है कि मन में कुछ उलझन रहे। सेवन्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नंबर्स नहीं है टैरो में, पर फिर भी बहुत लॉस नहीं दिख रहा, बट कहीं ना कहीं डिसकंटेंटमेंट है कि शायद वो नहीं मिला जो चाहिए था। मिल तो गया बड़ा कुछ लाइफ में, लेकिन वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसमें डिसकंटेंटमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। 11th को यू विल एक्ट लाइक एन एम्परर। हो सकता है कि आपको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आए, जरूरत से ज्यादा आप अपने आसपास वालों के ऊपर डिक्टेटरशिप करें, या ये भी हो सकता है कि आपके बॉसेस भी आपके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर कर सकते हैं, तो इस बात का आपको केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं हम 12th की। 12th को आपके लिए सन है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही जबरदस्त कार्ड है, जिसमें कि प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड प्रमोशंस है। जो भी बातें आपके 12th को, जो भी बातें पहले 10th या 11th को हुई हैं, 12th को आपको उसका आंसर मिल जाएगा और वो भी बहुत पॉजिटिवली और बहुत ही अच्छा रहेगा। 13th को आपके लिए 5 of Pentacles है फ्रेंड्स। हो सकता है कि खर्चा जरूरत से ज्यादा हो और आपको मन में बड़ा पिंच हो रहा हो कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चे तो बिल्कुल समझ नहीं कर रहे हैं, या आगे फ्यूचर के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है, शायद मुझे उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी मैं नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो लियोस को थोड़ा सा बच्चों के खर्चे के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना भी चाहिए। 14th को आपके लिए पेजेस ऑफ कप्स है, जो ये कहता है कि बचपन आ गया, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले और ना ही इमेच्योर कोई डिसीजन ले, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं और आपको अपने आप पर, अपने टैलेंट पर फेथ रखना है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यू शुड बी लिटिल मोर केयरफुल, आपको और ज्यादा जो है केयरफुल रहना है। 15th को आपके पुराने फ्रेंड्स या पुराने नोन टूज मिलने आएंगे, या आप उनको मिलने जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। हो सकता है कि वो कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसी बात बता दे कि जिससे आपका मन जो है वो बहुत खुश हो और आपके मन से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और फ्यूचर के प्लानिंग में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले और अच्छा लगे आपको। और 16th को फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि ये लेकर आया है वर्ड वर्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपके जो इमोशनल राउंड चल रहा था उस विशेष सर्कल से आप बाहर आ जाएंगे और एक नया जो है दिन की शुरुआत होगी, नई लाइफ की शुरुआत होगी और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो कुल मिलाकर ये वीक जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। पैसों को लेके हल्की सी आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा शायद खर्चा कर रहे हैं या खर्चा आपके बच्चे कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको हल्की सी टेंशन रहेगी। अगर आप केयरफुली यूज करेंगे इस एडवाइस को तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अदरवाइज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताती हूँ, बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़ जो है वो इजिली अवेलेबल है, उसकी रूट्स जो है सारा टाइम बाहर को निकल कर आती हैं। आप एक रूट के साथ दूसरे रूट को गांठ मारकर छोड़ दीजिए, साथ के साथ दूसरी तरफ से एक छोटे से रूट का टुकड़ा निकाल कर ले आइए और अपने पर्स में रख दीजिए। आपके पर्स से ज्यादा पैसे कभी भी नहीं निकलेंगे और कभी भी पैसों की जो कमी है वो आपको महसूस नहीं होगी।
ये किसी अच्छे दिन आप कर सकते हैं, यानी कि माघी वाले दिन यानी कि 14th को अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन जाने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है पैसों को लेकर। तो पैसों को लेकर जो परेशानी आप फील करेंगे वो आपकी दूर हो जाएगी और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीक बहुत ही छोटी हो जाएंगी फ्रेंड्स। और मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट रखिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना मेरा कनेक्शन बनाकर रखिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर इजिली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स जस्ट कीप कनेक्टेड, थैंक यू।